Guys, this is Dr. R.S. Moria. Again, we are here with the model auxiliaries, and among the model auxiliaries, I have chosen this suit to be explained here. So, let us see one by one what should give the meaning. So, yeah, first is duty. Duty, you have, should say both. Closely related है. You should do this, you should do that, you shouldn't do this, you shouldn't do that. तो so, duty के लिए ये जाना जाता है, duty के लिए. जैसे he should be attentive in the class. नहीं, he should be attentive in class. वो class में उसको attentive होना चाहिए. Attentive का मतलब क्या होता है? Attentive का मतलब focus. दिमाग को केंद्रित करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. तो अटेंटिव, ही शुड बी अटेंटिव. इट इज द ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट टू बी अटेंटिव इन द क्लास, राइट. तो ड्यूटी ये शुड जहाँ पर है वहाँ पर ड्यूटी जरूर होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर केसेस में शुड ही का प्रयोग करते हैं. तो रिक्वेस्ट में भी शुड का प्रयोग किया जाता है. रिक्वेस्ट में जैसे शुड आई कॉल हिम अप नाउ, Should I call him up now? उन्हें हमें बुलाना चाहिए, उन्हें हमें बुलाना चाहिए. Should I call him up now? तो ये रिक्वेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप सुर से. और तीसरा है एक्सपेक्टेशन. आप उम्मीद रख सकते हैं. एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद. आप उम्मीद ऐसे कह सकते. तो ही शुड बी हियर एनी टाइम. ही शुड बी हियर एनी टाइम का मतलब होता है ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर एनी टाइम. ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर एनी टाइम. तो ही शुड बी हियर एनी टाइम, यहाँ होना चाहिए. ये उम्मीद की जाती है कि ये उसको यहाँ होना चाहिए. और इसके बाद सजेशन, सलाह दिया जा सकता, दिया जाता ही है. तो दे शुड इन्फॉर्म द पुलिस. दे शुड इन्फॉर्म द पुलिस. उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. तो उन लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. सजेशन, सलाह, सलाह के तौर पर किया जाता है. शुड इन्फॉर्म द पुलिस. और एडवाइस भी दिया जाता है. एडवाइस एक ही तरह का ये थोड़ा सा अंतर होता है. डिफरेंस होता है. जैसे एडवाइस आप दीजिए, you shouldn't take milk, you should take fruits. You shouldn't take milk, आपको दूध नहीं लेना चाहिए. You should take fruits. आप बीमार हैं, आप पेट के बीमारी है, तो आप मिल्क नहीं लेंगे. तो यू शुड टेक फ्रूट्स. फ्रूट्स इज बेटर इन दैट पर्टिकुलर स्टेज. तो यू शुड नॉट टेक मिल्क, यू शुड टेक फ्रूट्स. तो ये एडवाइस आप दे सकते हैं. डॉक्टर लोग भी एडवाइस देते हैं. यू शुड टेक एन एग एवरी डे. आपको एक अंडा जरूर खाना चाहिए, ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं. ओब्लिगेशन मतलब होता है कृतज्ञता. कृतज्ञता तो यू शुड ओबे और इल्डर्स. हमें अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए. तो ये ऑब्लिगेशन है. वी शुड ओबे और इल्डर्स. वी शुड ओबे और इल्डर्स. और सरप्राइज भी होना चाहिए. अगर आप सरप्राइज से पकड़े गए, जैसे आप कहीं पकड़े गए, जैसे शुडंट यू बी एट होम दिस टाइम. आप सिनेमा में, सिनेमा घर में हैं और आपके भाई हैं, वो पकड़ लिए, अरे यहाँ पर कहाँ. शुडंट यू बी एट होम दिस टाइम. तुमको घर नहीं होना चाहिए. सरप्राइज आश्चर्य में किसी को डाल सकते हैं, ये प्रयोग कीजिए. शुडंट यू बी, आपको यहाँ होना चाहिए था, आप यहाँ हैं. यू शुड बी एट होम एंड यू आर इन सिनेमा हॉल. तो शुडंट यू बी एट होम, ये आश्चर्य. सरप्राइज, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य. आश्चर्य देखता है. और सपोजिशन, सपोजिशन मतलब जो मान के चलते हैं. जैसे ये मान के चले कि यू शुड बी एबल टू आंसर. आपको उत्तर देना चाहिए. यू शुड
आंसर आपको उत्तर लेना चाहिए प्रश्न का। तो ये मान के चलते हैं कि यू आर क्वालिफाइड इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। तो यहाँ भी शुड का प्रयोग हुआ। तो गाइस आप इसको आप ले सकते हो स्नैप इसका और इस पर आप अमल कीजिए और शुड का प्रयोग जानिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगेन आई रिमाइंड यू टू शेयर लाइक एंड देन सजेस्ट व्हाट टू डू कमेंट कम इन द बॉक्स। तो दिस इज़ व्हाट आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।